Hello children, how are you? Hope that you are very fine and fit in your home. I hope so. Children, today I am going to discuss with you on the poem On the Grasshopper and the Cricket of your English course book New Pathways of class 6, unit 2, section 3. This is very beautiful poem written by John Keats. Before that, I just tell you that you the students who are watching my video, you have already got Unit 1, Unit 2, Section 1, Section 2, which already I have uploaded in this channel. I hope that you have enjoyed these videos and you have written all the important notes, so that this is online class, students. You must take care that when you are watching my video, you should have your copies and pen and pencil. You will write the important things, you will write the notes and the objectives in your copy so that you can prepare yourself for the coming examination. Okay, students. Children, देखो इस poem पर on the grasshopper and the cricket एक video already मैं इस channel में upload कर चुका हूँ. आप देखोगे उस video में thumbnail में John Keats का photograph है. या तो इस channel में जब आप open करते हो search में इस poem का नाम लिखोगे तो आपको मिल जाएगा. ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा ताकि आपको खोजने कोई मुश्किल नहीं हो. सभी वीडियो में मेरा हर लेसन्स का लिंक दिया हुआ रहता है. सो दैट स्टूडेंट्स यू मस्ट विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर आई अपलोड all the important parts, suppose that the objectives, the MCQ and the question answers also. A description box बहुत important है क्योंकि बहुत सारा objective parts आपका जो lesson में मैं इस video में नहीं उसके बारे में discuss करता हूँ या तो करता हूँ भी उसको भी मैं उसमें लिख देता हूँ ताकि आपको printed चीज़ मिल जाए. आपको कहीं कोई लिखने में डिफ़िकल्टीज नहीं हो तो ऐसा ही सोचकर मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को अपलोड करता हूं. एंड अगेन आई टेल यू दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू रिमेन विथ मी एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट ऑल माय वीडियोस in your notification box. Okay, students, let's start now discussing about this poem. Already I have discussed briefly. I am telling you, John Keats, you know that John Keats' life was only of 26 years. John Keats itne bade poet, inke bare mein aap zarur padhoge. जॉन किट्स इंग्लिश लिटरेचर का ऐसा एक पोएट जिनका जीवन मात्र 26 इयर्स का था 1795 से लेकर 1821 तक. आपको बहुत आश्चर्य होता होगा मात्र 26 साल का एक कवि ऐसा
पोएट्री लिखे, ओड्स लिखे जो दुनिया में अमर हो गए। ही इज एन इमॉर्टल पोएट, ही नेवर डाइज, मर नहीं सकते। हर स्टूडेंट्स जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं जॉन कीट्स के बारे में जरूर जानते हैं। उन्होंने ही तो लिखा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ओके स्टूडेंट्स, जॉन कीट्स का इस पोएम में ही कॉन्वेज द मैसेज दैट द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, द रेस ऑफ द अर्थ नेवर डाइज इन एनी कंडीशन, इन एनी सीजन्स, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, द अर्थ नेवर स्टॉप्स इटसेल्फ एंड एवरी मोमेंट द अर्थ इज एंजॉयबल। हर पल हम दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में भी आप देखते होंगे पृथ्वी कितना सुनहरा है। मैं तो बार बार कहता हूँ दिस इज द गोल्डन एज फॉर द नेचर। वॉट एवर इट इज, नाउ वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट एंड द अदर थिंग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आई कम टू दिस पॉइंट नाउ, द दिस इज द पोएट्री ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, इसलिए मैं फिर से इसको कहना नहीं चाहता हूँ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, यू सी दैट अबाउट द पर्सनिफिकेशन, ऑलरेडी वन वीडियो आई हैव अपलोडेड ए पर्सनिफिकेशन दैट इज द फिगर ऑफ स्पीच, यू नो इट। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ऑलरेडी दो वीडियो इस चैनल में है, आप देखोगे इसमें भी पर्सनिफिकेशन के बारे में मैंने बताया। देखो इसमें लेफ्ट साइड वर्ड्स और फ्रेजेस है, इसको पोएम से रिलेटेड आपको मैच करना है। जैसे क्या, देखो फेंट ए, इसमें मैच कर लेना। जैसे ए क्या होगा ना, टू होगा, ठीक है। बी दैट विल बी द फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट यू सी दैट सी, दैट विल बी आंसर विल बी एट, रिसेंटली कट डाउन, ओके। लाइक दैट डी, यू सी दैट डी विल बी हेयर वेर इट इज, हाँ दैट इज इन सेवन, इनिशिएट सी सॉन्ग, ओके। देन लाइक दैट ई इज हेयर, ग्रेट प्लेजर, ओके डिलाइट्स। देन एफ, एफ इज हेयर दैट इज थर्ड एंडिंग, ओके। जी दैट इज लोनली, फाइव आंसर। देखो उसके राइट साइड में पेंसिल से लिखा हुआ है, अब अपना बुक में मैच कर लेना ठीक से। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू नो दैट इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन द क्वेश्चंस विल बी इन एमसीक्यू पैटर्न। एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन होगा, मतलब क्या आपको वर्ड के साथ मीनिंग, फोर ऑप्शनल मीनिंग हो सकता है जिसमें तीन गलत होगा एक सही होगा, उसको क्लिक करना है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके स्टूडेंट्स। देन द एच श्रील, श्रील द मीनिंग इज देयर दैट इज द लास्ट, एग्जॉस्टेड। नाउ द लास्ट दैट विल बी स्लीपीनेस, ड्रॉजी, ड्रॉजीनेस के बारे में इस पोएम में भी दिया हुआ है। जब आदमी बहुत सोया हुआ रहता है ड्रॉजीनेस फील करता है विंटर के समय में, ऐसा ही पोएम में भी बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, दैट पार्ट वी हैव फिनिश्ड अप। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट, दैट इज द एमसीक्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप लोग देख लो, फर्स्ट का थर्ड, देन सेकंड बी का आंसर है वन, आफ्टर दैट सी का आंसर, देखो सेकंड बी को टिक लगाना, और डी दैट इज आंसर इज वन, ओके। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट द सेम थिंग इज रिपीटेड, ओके। दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड। इज नाउ द क्वेश्चन आंसर्स, दैट क्वेश्चन आंसर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देर आर फोर क्वेश्चंस ओनली, जस्ट वी डिस्कस अबाउट इट एंड आई विल टेल यू वन बाय वन. वेट फॉर ए व्हाइल. यस, नाउ सी दैट द फर्स्ट आंसर क्वेश्चन यू विल राइट फ्रॉम द बुक, दैट विल बी बेटर. इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा ताकि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता. और यू जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक. नाउ द आंसर आई एम टेलिंग वन बाय वन, दैट इज वन आंसर इज इट रिफर्स दैट द ग्रेसपर हैप्पीनेस. वन थिंग इज दैट जस्ट यू रेक्टिफाई इट लाइक दैट, दैट विल बी that will be grasshoppers. Okay students, it is now correct. It refers that the grasshoppers happiness never come to an end. Okay, comes to an end. Is it clear? Okay, now two, the poet creates the atmosphere of winter एज द साइलेंस वन, क्योंकि विंटर के समय में ऐसा ही एक एटमोसफियर जॉन किट्स ने बताया, चारों ओर शांति रहता है, साइलेंस. द वर्मथ इंक्रीजेस इन द इवनिंग एंड द क्रिकेट गोज ऑन सिंगिंग. देयर इज ए साइलेंस इन द नेचर एंड द पीपल यूज टू गेट ड्रसी. सभी लोग चुपचाप सो जाते हैं तब भी पृथ्वी के अंदर संगीत सुनाई देता है. क्रिकेट झिंगूर, क्रिकेट मीन झिंगूर, एक तरह का इंसेक्ट होता है, आप जानते हो, तो इंसेक्ट का गाना सुनाई देता है. ओके, जो पृथ्वी को एक एंजॉयबल मोमेंट बनाकर रखता है. ओके, नेक्स्ट थर्ड, दैट इज द आंसर. द पॉइंट कंट्रास्ट्स द लाइव्स इन द क्रिकेट एंड द ग्रासहॉपर, लाइव्स ऑफ द क्रिकेट एंड द ग्रासहॉपर, referring to the cold winter and the hot summer respectively. Means that winter mein cricket ki song aur summer mein grasshopper ka. Isko aapko khyal rakhna hai. Ye kis season mein, kis samay mein, kis insect ko John Keats ne bataye. Gana gaate hoye unhone dekha. The cricket sings in the winter while the grasshopper sings in summer. Matlab koi bhi season aisa nahi rata hai jahan hum गाना नहीं सुनते हैं, पृथ्वी का संगीत नहीं सुनते हैं. ये सुनने पर डिपेंड करता है, जब पृथ्वी का कितनों कितना एंजॉय कर सकते हो. नेक्स्ट फोर, दैट इज द आंसर. द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, फर्स्ट लाइन में आप देखोगे इस लाइन लिखा हुआ, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. मतलब क्या है, उस वीडियो को जरूर सुनना, मैंने एक एक लाइन करके बताया, फिर भी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. पृथ्वी का जो संगीत है, पृथ्वी का जो रफ्तार है, जो खुशी है, जो प्लेजर है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है. इट नेवर डज. इंक्लूड्स द पर्सनिफिकेशन. ये पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन एक फिगारा भी स्पीच है, जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग को हम जिंदा मान लेते हैं, जीवित मानते हैं, लिविंग थिंग मानते हैं, लिविंग थिंग के रूप में कंसिडर करते हैं. वेयर पोएट्री इज कंपेयर्ड टू ए लिविंग थिंग, द ग्रासहॉपर इज डिस्क्राइब्ड फिजिकली एज हैविंग ए वॉइस, इज रेस्टिंग एंड बीइंग टायर्ड. इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज डिलाइटिंग, which is a human feeling. Okay student, the question answer part is also completed, and these all the things you will get in the description box also. Is jo bhi question answers maine aapke samne discuss kiya, is sabhi ko aap description box mein phir se dekh paoge. Isliye description box ko zarur open karna, ye bahut aasan hai. Video ka right side mein dekhoge, jab aap video dekhte ho right side mein dekho, एक उल्टा हुआ ट्रायंगल है, उसको जरूर क्लिक करना. ओके स्टूडेंट्स, लॉन्ग लिव नेचर. नेचर हमेशा के लिए जिंदा रहे.
ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, फिर मिलते हैं यूनिट 3 के साथ।